ये सर मेजर पहला क्वेश्चन नहीं आ मेजर रहा लाइक ऑब्जर्वेशन थी, मतलब स्टोरी फ्रेम करना नहीं आ रहा था मुझे बेसिकली, तो मुझे था। प्रॉपर स्टोरी चार फ्रेम पांच करनी है, पॉइंट उसे मैं एक बार लिख के प्रॉपर स्टोरी फ्रेम कर लूंगी। और अदर लाइक डीटीए, डीटीए जो आपने मुझे बताया कि जो डीटीए वो क्रिएट होता है ओनली फॉर टेम्परेरी डिफरेंसेस रीजंस, परमानेंट डिफरेंस है, एक करता है वो पर। था। यस और कुछ नहीं था, सर, और भी था आपका? नहीं नहीं सर यही थे, मतलब मेजरली मुझे आते थे बट मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहे थे, बट ये दो हाँ, चीजें मुझे एनालिटिकल अच्छे से याद प्रोसीजर्स, है। एक आपने ऑडिट यस प्लानिंग में सर, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं बोला था, यस सर, हाउ वो एक टू स्टार्ट जरूरी एन था। ऑडिट। हाँ ठीक है, वो चीज एक इम्प्रूव करिएगा। ठीक है सुनील कुमार, आपको क्या क्या क्वेश्चंस नहीं आ रहा था वो बताइएगा मेरे को। सर मुझे एक तो जैसे जो हम इसमें डाउट है, जैसे जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं टेल मी समथिंग वाला, हाँ उसमें जैसे आपने कहा था कि अपना डोमेन के बारे में रिलेटेड बता दो, जैसे मेटीरियल जो कारो वॉक थ्रू। अब जैसे मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया हुआ है, देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद भी यही बोलना है। तो बता देना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया और आर्टिकल से मैं ऑडिट किया, बता देना स्टेट ऑडिट तो ये किया। जो पहले स्टैट ऑडिट का जो एरियाज है, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद बताना है या इससे पहले? पहले आर्टिकल से मैं आपने किया है बोल देना। तो उसमें स्टैट ऑडिट का बताना ना रिक्वायरमेंट है, कोई वो नहीं है? देखिए एसडीसी में जाएंगे और आप वीडियो में जाएंगे तो स्टेट ऑडिट प्रोफाइल है, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा आप स्टेट ऑडिट किया है, नहीं तो आपको क्यों लेगा वो, बताओ भाई। और भी सी है, नहीं, आपको क्यों इंडस्ट्रियल लेगा वो, आपको अगर काम दिखाओगे ट्रेनिंग, तभी देगा, है ना। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कह रहा हूँ सर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया वही बताना पड़ेगा, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह की, इंडेक्स का काम बता दीजिएगा थोड़ा बहुत की है थोड़ा बहुत, ओके सर, समझे। और आर्टिकल्स में क्वेश्चन स्टेट सर, ऑडिट ओके, दिखाएगा। जो मेजरली क्वेश्चन सर मुझे नहीं आ रहे थे मेनली, एक तो ये था सर इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, वो रिकॉल नहीं हो रहा था इस टाइम। एक्सटर्नल आप समझ में आ गया ना, एक्सटर्नल इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है। अदानी का भी रिसर्च रिपोर्ट आया है हिंडरबर्ग का, तो एक्सटर्नल इंडिकेटर हो गया, सुनामी, कोविड, कोई भी चीज एक्सटर्नल इंडिकेटर, तो बिजनेस को इंटरप्ट कर सकता है उसका, इंपेयरमेंट वगैरह कुछ भी हो गया, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है कोई कंपनी का। और एक सेकेंडली मैंने अभी ये लीज वाला भी प्रिपेयर नहीं किया, इंडेस लीज वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, इंडेस 116 में। हाँ पता चल गया अब कहाँ पर करना है एक्सेल में। हाँ और ये पता बाकी लग सब गया आ सर। जाता और एक इसमें सर ये जो ऑडिट रिपोर्ट की अमेंडमेंट्स है ना, ये भी मैंने अभी स्टडी नहीं की है, ये। और ये वाला स्टडी करना, बाकी तो कंफर्ट था सर। आपका हम क्वेश्चन पूछते हैं फिर। हाँ हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, बोलिए। तीन क्वेश्चन ही पूछे सर जाते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट प्लानिंग स्टेज बिफोर आई विल आई आफ्टर दैट आई विल चेक। और सर फर्स्टली मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया एक्चुअली, जो भी है बोलिए, टेंशन मत लीजिए, बोलिए। आफ्टर आई प्रिपेयर आई विल गिव इंटरव्यू नहीं टेंशन मत आफ्टर। लीजिए, देखिए आपको जितना, देखिए स्पॉन्टेनियसली जवाब देने का आदत सीखिए ना, उतना ही होगा रैपिड फायर एकदम। जीवन में कोई भी चीज प्रिपेयर होकर नहीं होता है, दीजिए जो आता ओके है, टेंशन नहीं, बेखौफ होकर दीजिए, डरिए मत। ओके सर, आई थिंक सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द अबाउट द प्लानिंग स्टेज एंड आफ्टर दैट वी क्लाइंट क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्म वी आई विल चेक। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द एरियाज आई विल डू और प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम। आफ्टर दैट आई विल बोलिए चेक हाउ मेनी बोलिए। रिस्क आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एरिया। आई विल चेक बिफोर सर, मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया एक्चुअली, मैं मैं प्रिपेयर वही करने तो के बाद देखना ही। चाह रहा हूँ बिना प्रिपरेशन का आप कितना तगड़ा है, वही तो मैं जानता हूँ ना, बिना प्रिपेयर ओके करके तो कोई भी जवाब दे देगा, बिना प्रिपेयर के हमको देखना है, समझ रहे ना। सर, यस और बताइए आप, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके का स्टूडेंट है, हमको उसमें कितना काम करना पड़ेगा, समझे। ओके हम लोग ओके एक ओके टाइप का सर, डॉक्टर है ना भाई, समझ रहे ना, यस हमको सर, इंसान का प्रॉब्लम पता चलता है बातचीत करने के बाद ही पता चलता है, ऐसे कैसे पता चलता है, मतलब यस सर, यस आदमी से 10 15 20 मिनट बात कर लेगा बता लेगा कब बीमारी किया है, समझ यस सर, रहे यस ना, इसलिए इसलिए आपको यस पूछ रहे हैं। ठीक है ओके, व्हाट आर द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क सर आर थ्री टाइप्स, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क,
इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द रिस्क विच विल बी ही ऑलरेडी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर वी विल चेक द व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिस्क. Tell me something about yourself. First of all, thanks to you for giving me opportunity in front of to present myself in front of you and accept my candidature. My name is Sunil from Hisar, Haryana. I have completed my schooling from State Board of Haryana. After that, about my articleship, I have completed my articleship in Messrs. Dharampol and Associate, which is a well-known firm in statutory and tax audit. I have majorly work which I have done in statutory audit. I have independently handled my client with in statutory audit with my team is Dainik Bhaskar Private Limited. And major areas I will work in the statutory audit of fixed assets, audit of trade payables, audit of trade receivables, CARO reporting, walkthroughs, test of control, test of details. After that, I have completed my industrial training in Hisar Metal and Private Limited, which is a well-known firm in iron and steel industry since 1991. Here, I have majorly learned about the internal control, financial, and accounting areas. After that, I am presently working in Scottish International, which is a leading educational institution in Hisar, Haryana. Here, I have mainly worked on the internal controls and accounts department of the company. That is brief about me. Do that is brief about me. Thank you. ठीक है, वो वाला जो ब्लाइंड नहीं बोलता है, ये हर कोई यही गलती करता है, अपने बारे में ज्ञान दे दे के छोड़ देते सब आदमी, वही गलती सब आदमी कर रहा है। तो वो कंपनी क्यों ज्वाइन करना वो बताओ, कि वो सब भाग ओके में ओके यही गलती करते हैं, अपने बारे में ज्ञान दे सर रहा, अपने बारे में ज्ञान दे रहा है, इसको लग रहा है ईगो होगा। आपको पता है ईगो ओके ही है सबके ऊपर में। उसको कंपनी क्यों ज्वाइन जी करना सर चाहते हो तो बताओ उसको, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन अ ओके कंपनी बिकॉज दिस। ये वाला कोई नहीं बोलता, ये सबसे बड़ा गलती हर कोई इंसान है, तीनों का तीनों ने गलती वही की है। आई वॉन्टेड ज्वाइन अ कंपनी बिकॉज दिस इज द, वो चीज हर कोई गलती कर रहा है, वो चीज नहीं करना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करता है तो गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, उससे स्टार्ट करिए, ओके सर ये भी जरूरी है। मेरे को फर्क नहीं, ये सर सर दिमाग में फर्क पड़ इसमें जाता है। हाँ, गुड इवनिंग सर, नहीं थैंक यू फॉर। हाँ क्या, इंट्रोडक्शन में बताना कहीं और कहाँ वर्किंग करने की नीड है। इंट्रोडक्शन वही ना, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज दिस। और आप स्कूलिंग को भी ज्यादा करके ज्यादा लंबा मत टानी कि मैं स्कूल यहाँ से किया, यहाँ से था, ये था, तो बता आई डन माय स्कूलिंग फ्रॉम हियर, क्वालिफाइड दिस अटेम्प्ट, डिड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम एक्सपेक्टेड फर्म, देन इन द आर्टिकलशिप आई डन स्टेट ऑडिट, इन स्टेट ऑडिट आई हैव डन दिस एरियाज। इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप तो लंबा टानना था, इतना लंबा नहीं टानना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको आना है कि आई वांट टू जॉइन अ कंपनी बिकॉज़ बिग फोर इज माय ड्रीम कंपनी टू गेट इनटू, एंड स्टैट ऑडिट प्रोफाइल इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू बिकॉज़ आई हैड अ मेजर एक्सपीरियंस आउट हियर। तो ये दो चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, एक तो कंपनी के बारे में, दूसरा कंपनी के बारे में बताना है, मैंने रिसर्च किया था, कल्चर अच्छा है वो है, और प्रोफाइल के बारे में। डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू लाइक टू नो फ्रॉम मी। ये दो प्रॉब्लम हर कोई कर रहा है, कंपनी के बारे में सर नहीं बोल रहा है, और हाँ इसमें मेरे जो कंपनी में इंट्रोडक्शन में ज्वाइन कर मैं रहे हो कंपनी के बारे में बोलना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। मेरे इसमें इंट्रोडक्शन में एक तो मुझे कंपनी वाला इंप्रूव करना है सर, और एक इंडस्ट्रियल वाले पार्ट को मतलब ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, हाँ हाँ बस, और एक उसके और बाद में कंपनी के बारे स्कूल में बोलना का कि तू ओके कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तुम उसका कंपनी जे क्यों, इन्फोसिस जो भी है, जेनपैक्ट है, तो उसके बारे में बोलना है कि तुम वहां में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तब वो तुमको इंटरेस्ट दिखाएगा कि हाँ जेनपैक में ओके ज्वाइन इसलिए करना चाहता है, इधर हम इसलिए एचडीएफसी बैंक इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है, ये है, तो वो उसको लगेगा हाँ इनको इंटरेस्ट है, अपने बारे में खाली नहीं बोल रहा है। तो जो भी कंपनी में जाना है उसका थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको, चाहे डन अ वेरी गुड रिसर्च अबाउट अ कंपनी, योर कंपनी डील्स इन दिस थिंग्स, एंड एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गेट इन टॉप हियर, तो माई हर्ड फ्रॉम द कल्चर, ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बोले तब तो अच्छा लगेगा ना। इंट्रोडक्शन सब अपने बारे में बोलते रहते हैं, अपने बारे में बोलते रहते हैं, थोड़ा उसके बारे में तो बोलिए, कंपनी के बारे में बोलिए, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बोलिए, प्रोफाइल मेरे को अच्छा लग रहा था। ये दो चीज आप लोग गलती हर कोई करते हैं, ये गलती नहीं करना है, या अभी लिख लीजिए, गलती नहीं करना है इंटरव्यू में, ठीक है। दैट्स व्हाई ऐसे ओके ना, टेल मी समथिंग आंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आंसर हमेशा ना हर जगह बदलते जाता है, ये ओके सर कंटेंट जाना बहुत जरूरी है, कंटेंट नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट ओके थिंग, और ये सर प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट थिंग जो आपको मेरे हिसाब से इम्प्रूव करना है वो फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, वो इसलिए आ रहा है मे बी ओके आपका इंग्लिश मीडियम से ही है वैसे, यस सर इंग्लिश मीडियम से है
हाँ तो फिर बट प्रैक्टिस चाहिए, फिर सिर्फ हो जाएगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस डिसिप्लिन। नहीं करते ना सब जन, प्रैक्टिस का ही प्रॉब्लम मेरा सब यही था, प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं होने से ही होता है सबका। तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस कितना ले ली का 50 घंटा का कोई प्रैक्टिस करेगा तब जाके उसका परफेक्ट होगा इंग्लिश। 50 आवर्स अगर ओके वो सर, प्रैक्टिस कर लेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम मेरा प्रैक्टिस, आपने कम से कम 50 आवर्स प्रैक्टिस किया प्रियंका चंद्रा, वो तो इंग्लिश क्लासेस भी लेती है क्या प्रियंका चंद्रा, क्या नहीं सर वो इंग्लिश क्लास नहीं है, वो इंग्लिश लाइक नहीं क्या? कम्युनिकेशन की है। जो भी है भाई, मुंह बोलने वाला तो है ना, बोलना पड़ता है उसमें, बोलने वाला है ना, बोलना बोलना बोला बोली वाला है ना कुछ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा, नेट फेक्स हुए। तो बोला बोली वाला काम बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर कोई 50 आवर्स अगर इंग्लिश में बोलेगा ना, तो उसका इंग्लिश देखना फटाफट निकलेगा, धड़ाधड़ ओके सर, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम पानी का तरह निकलेगा इंग्लिश। प्रॉब्लम है बोलता कम है इंसान इंग्लिश, और इसलिए बोला ना आप, अगर मान के चलिए ना, मेरा अगर 2 घंटा को इंग्लिश, कल आया था एक लड़का इंग्लिश नहीं निकल रहा था, 2 घंटा बाद इंग्लिश इंग्लिश इतना बोलने लगे, इंग्लिश फटाफट निकलने लग गया है, होता है। आप जितना ज्यादा इंग्लिश में यस बोल देगा ना, 2-3 घंटा इंग्लिश बोल देगा, इंग्लिश ही निकलने लग जाएगा, घर में भी इंग्लिश में बात करने लग जाएगी अचानक से। क्या हो गया तेरे को भाई? इंग्लिश अपने आप ही मुंह से निकलने लग जाता है, अगर 2-3 घंटा आप इंग्लिश में बात करने लग जाएगा, इंग्लिश ही आपका मुंह में आ जाएगा, वो प्रैक्टिस हो जाता है। इंग्लिश आपका बोल यस बोल सर, के प्रैक्टिस होता है, कुछ और घर में कोई है नहीं प्रैक्टिस करने वाला, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लीजिए, आपने पढ़ लिया इंग्लिश में सारा आंसर को रिकॉर्ड करिए, देखिए आप कैसे बोल रहा है, ज्यादा 2-3 घंटा 3 घंटा, और मेरे हिसाब से अगर कोई 20 घंटा भी अगर प्रैक्टिस कर लिया ना इंग्लिश में लगातार, मतलब दो दो तीन तीन चार चार छह, अभी तो आपको 6-6 घंटा, आपको एकदम फ्लुएंसी एकदम मक्खन का तरह इंग्लिश एकदम अच्छा से निकलेगा ऊपर में, तो फ्लुएंसी के साथ। मैंने भोजन का देखा बहुत स्लो बोलता है, स्लो नहीं बोलना और थोड़ा फास्ट बोलना है इंग्लिश, तो फ्लुएंसी आना चाहिए, एकदम धीरे धीरे नहीं बोल रहा है, धीरे धीरे बोलेगा तो आपको सवाल भी ज्यादा पूछ नहीं पाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, समझा? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि क्या क्या पूछा था आप लोगों, प्रियंका चंद्रा एक बार, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंडिया 115 एंड AS9 बताइए, आपको पता है ना? सर इन डेज 115 भी किया नहीं है ना अभी एक्चुअली। ये करना है आपको, 5 स्टेप मॉडल बता दीजिए इंडिया 115, ये क्या आप बताऊं भूलेगा नहीं सर, आते, 5 स्टेप फाइव मॉडल स्टेप इंडिया मॉडल, 115। हाँ आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन प्राइस, आइडेंटिफाई द एलोकेशन ऑफ प्राइस, एलोकेशन ऑफ प्राइस एंड फिफ्थ वन इज आई एम नॉट रिकॉल नाउ अभी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यही तो है ना कुछ, कंट्रोल ट्रांसफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ऐसे करके ठीक है। और बताइए, व्हाट हाउ वाज योर क्लाइंट ऑब्जर्वेशंस, व्हाट थिंग्स दैट यू हैव डन इन द क्लाइंट? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एट द माई क्लाइंट ऑब्जर्वेशन आई ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द वाउचिंग देर वर थ्री कोटेशन इन द एक चीज थ्री याद रखिएगा, कोटेशन। जब वो क्लाइंट ऑब्जर्वेशन पूछता है, आप जो प्रोफाइल में जा रहे हैं उसका ही आपको बताना है, मान के बैंक में जा रहा है तो बैंकिंग का कुछ बताइएगा, टैक्स में ज्यादा टैक्स वाला बताना है, स्टेट और जिस स्टेट, इंटरनल इंटरनल, फॉरेंसिक फॉरेंसिक, जिस तरीका का इंटरव्यू है उस तरीका का क्लाइंट ऑब्जर्वेशन बताना बहुत जरूरी है। जैसे आप अलग उत्तर गलती कर रहा था, आप जीएसटी का बता रहा था, तो उससे जो इम्पैक्ट है आप जीएसटी का काम करके आया, तो बोलेगा इट सीम्स दैट यू हैव जीएसटी एक्सपीरियंस, सो योर प्रोफाइल इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं से याद रखिएगा, आपको प्रोफाइल देख के कंपनी जा रहा उस तरीका का ऑब्जर्वेशन देना है उधर में। बोलिए सुनील कुमार, लिख लीजिएगा चीज। हाँ बोलिए। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द परचेज इनवॉइसेस कंपनी पॉलिसीज वर थ्री कोटेशन वर देयर बट मैनेजमेंट विल टेक ओनली वन कोटेशन फ्रॉम द पार्टी, फ्रॉम द वेंडर पार्टी एंड आफ्टर द सेकेंड कोटेशन विल बी देयर, सेकेंड ऑब्जर्वेशन विल देयर इज कंपनी सबमिटेड टूर बिल्स, हेयर आई विल चेक वन वन एम्प्लॉय क्लेम फेक बिल्स बिकॉज आई विल चेक अबाउट देम, दे प्रेजेंट होटल बिल सीरियल नंबर was earlier mentioned upside and after that will lower side because serial number will be taken, just earlier will given 10 number and after that will given 2 number same hotel bill. And third observation in during physical verification of the stocks stock and majorly stocks minus stocks were not recorded in the SAP. When I will may talk to management, they will tell that there is a very low quantity, then I will not report it in SAP. But when I will talk to management, then they will said I will record on or record on the SAP. Or during the verification of the gift,
गिफ्ट डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूशन बट मे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन देर वर नो रिकॉर्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिफ्ट दिवाली गिफ्ट व्हेन आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट देन दे विल कम्युनिकेट मी कि देर इज अ नो रिकॉर्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट दिस इज अ बोनस गिफ्ट वर बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एचओ बट आई विल टेकन मेल रिगार्डिंग दिस एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देर इज अ न्यू रिक्रूटमेंट डन बाय द एचआर फॉर द सिक्योरिटी प्लेसमेंट सर्विसेज सिक्योरिटी प्लेसमेंट सर्विसेज कंपनी पॉलिसीज वर बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अथॉरिटी देर वर थ्री पॉलिसीज वर देयर एंड मीटिंग विल बी डन फ्रॉम द फाइनेंस टीम बट एचआर टीम डज नॉट कंडक्ट अ मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट डेट एंड द कोटेशन डेट विल बी प्रायर देन द अपॉइंटमेंट डेट देर वॉज नॉट नॉट डन प्रॉपर मैनर दैट इज अबाउट माई ऑब्जर्वेशन. आपका ज्ञान अच्छा है पर ज्ञान वो प्रेजेंटेशन वाला चीज है वो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप खाली बोल रहे हैं ओके पर आप समझा रहा नहीं है सामने वाले को। आपको समझाना है सामने वाले को। आपको प्रियंका ओके चंद्रा सर समझ में आए क्या बोले अभी तक पॉइंट्स? बहुत मेहनत करके समझना पड़ेगा किसी को। समझ में आया आपको? यस पुलक गुप्ता आपको समझ में आया? सर लास्ट वाला थोड़ा सा समझ आया था. देखो बात समझ में आया ना। कम्युनिकेशन स्किल इज अबाउट कि आप दूसरा आदमी आपका बात समझ में आ जाए आपको। तो मैं ये चीज वो लोग देखेगा इंटरव्यू में। क्यों? देखिए यही चीज है। मेरे को भोजन मतलब मटेरियल दे दो, ये दे दो, ये क्वेश्चन दे दो, आंसर दे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। फर्क ही नहीं पड़ने वाला है उधर में। वो लोग आपको बिग फोर में या इवन इंफोसिस, रिलायंस कोई भी है, ये लोग आपको क्यों रख रहा है उधर में? क्यों? क्योंकि वो लोग चाहता है कि आप क्लाइंट से डील करेगा, राइट? दे वॉन्ट यू टू डील ओके विद द सर क्लाइंट। तो आपको पूछा क्लाइंट ने कि भाई ये कैसे होगा? अब मान के चले वो है स्पेशली बिग फोर ग्लोबल है, राइट? ग्लोबल में सारा आपको ओके ग्लोबल सर क्लाइंट मिलेगा, इंडियन क्लाइंट भी नहीं मिलेगा। इंडिया में तो हिंदी में तो आप अच्छा से समझा देगा कि ऐसे होता है वैसे होता है, समझाती है हिंदी में। अब आप क्या कि ग्लोबल क्लाइंट है बिग फोर में, डिलोइट, यूएसआई, इसलिए परसेंटेज भी लेते हैं लोग। ये ऑफर में इंग्लिश क्लाइंट है। अब तुमको इंग्लिश तुम्हारा वो नहीं समझ में आएगा उसका, तो बिल्कुल आप समझ आना। यस सर ये यस चीज ये लोग देख। अब आपको समझ में प्रॉब्लम क्या है? ये लोग नहीं समझता भाई, क्वेश्चन देना नहीं हो रहा। आपको ऐसे बोलना है कि सामने वाला जो इंग्लिश है उसका समझ में है, ऊपर से उसका जो अंग्रेजी है आपको भी समझ में है। बहुत बार ये मेरे जब इंग्लिश में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो मैं भी समझा नहीं पा रहा था उसको क्या बोल रहा है। दोनों तरफ दिक्कत हो गया था। मेरे को दे दिया भाई आउटसाइड का, ऑफशोर क्लाइंट दे दिया करने को। मेरा ओके रात को सोने का टाइम में उन लोगों का मीटिंग होता है तो और दिक्कत है। 10 10 साढ़े 10 बजे तो लोग जगता है तो और दिक्कत है। लोग क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश भी पर ये चीज है, ग्लोबल में आपका इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाता है। इंग्लिश बहुत ज्यादा ओके इंप्रूव सर होता है ग्लोबल में। तो लोग बोले ये करके दो, वो करके दो, ये करके दो, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, और हम उसको समझाने का कोशिश कर वो नहीं समझ रहा है। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आजकल तो लोग इंग्लिश बहुत ध्यान देता है जो भी ग्लोबल है। नॉलेज तो लोगों को पता है, नॉलेज हम लोग ही सिखा देगा, नॉलेज तो आता ही होगा है ना। तो नॉलेज ऑलरेडी आता है उनको, ऐसे लग के आता है। तो नॉलेज इतना मायने नहीं देता है, वो लोग को मायने देता है कम्युनिकेशन स्किल। तो आप जब भी आंसर बोल रहे हैं ना, ऐसे कोशिश करिए कि आप दूसरा को समझा रहे थे, इसको बता रहा नहीं है। ओके ये गलती आप कर रहा था। अभी मेरा काम है भी असली बात बताने का। तो अभी आप जो बता रहे हैं ना, आप हमेशा याद रखिएगा किसी को भी समझा रहे हो कोई चीज को, जब आप करेंगे ना तरीका आपका बदल जाएगा। इट्स नॉट ओके अबाउट सर इंग्लिश और वो, आपको बताने का तरीका, आप दूसरा को समझा रहे हैं। ओके सर कि वन ऑफ द क्लाइंट्स लाइक आई हैव डन दिस देयर दिस वाज दिस। इवन पलक गुप्ता आपको भी इम्प्रूव करना चाहिए चीज में, प्रियंका चंद्रा को भी इम्प्रूव करना चाहिए। एवरीबडी शुड इम्प्रूव दिस कि आप स्लो होगा और दूसरा को समझाने का कोशिश कर रहा है कि इन दिस क्लाइंट इट वाज दिस, पॉज लेके थोड़ा, पॉज पॉज कॉमा होता है ना, कॉमा पॉज ले लेके ओके समझाएंगे सामने वाले को कि इन दिस क्लाइंट आई डिड दिस, इन दिस दिस इज द दिस, ऐसे करके आपको समझाना है उसको। तो उसको लगे, उसको भी लगे भाई समझाने का कोशिश कर रहा है। अगर उसको मेहनत हो रहा है ना आपका बात समझने में, तब तो आपका भाई आपका नुकसान है उसमें। ओके मतलब सर आप ऐसे एक बार में बोले और दूसरा को समझ में आ जाए। मेरा बोलने से आपको समझ में आ गया ना, है ना? यस सर आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। इसमें इंग्लिश का कोई खेला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अबाउट कि आपको मेहनत करना है कि सामने वाला को समझ में आ जाए तुम क्या बोल रहे हो। अगर कोशिश करेंगे तो एकदम 100% पॉसिबल है। तो जब ओके भी आप सर आंसर बोलेंगे तो क्या करेंगे? ड्यूरिंग द आर्टिकल बेसिकली लाइंस आप वन है ऑफ ना द माइक कोशिश कर रहा है कि इंटरव्यू को आप समझाने का कोशिश कर रहा है।
पर एरोगेंस मत दिखा दीजिएगा, ठीक है? तो वो नहीं करना है, हाँ वो नहीं, उसको आप समझाने का कोशिश कर रहे हैं, यू आर जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड यू आर ट्राइंग टू इन माय क्लाइंट एक्सपीरियंस दिस वाज द केस एंड इन दिस ऐसे करके समझाने का कोशिश करना है इसको। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप खाली पढ़ के आए और भावर में आके रट्टा मारे बोल दिया, वैसे नहीं लगना चाहिए, तो वैसे में फर्क हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। तो अभी मैं एक चीज बोलूंगा, आपका दो तीन चीज में आपको इम्प्रूव करना है। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए वो है कि आपको जो बोला ही नहीं है आपने इतना दिन से, आपको 6 8 घंटा 10 घंटा बोलने का प्रैक्टिस चाहिए। तो आप एक आंसर को पढ़ना एक्सेल में जो भी है पढ़ के आपको हाथों ही बोलना है, और बोल के अपने आपको देखना आप कैसे बोल रहे हैं, दैट ओके इज द सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरा चीज आपको इम्प्रूव करना है वो है मेमोरी स्किल। मेमोरी, तो मेमोरी कैसे इम्प्रूव होगा, एक आंसर को ही आपको हर बड़ी नहीं बचाना है, एक आंसर कंप्लीट करके दूसरा में नहीं भागना है, तीसरा में नहीं भागना है, एक आंसर को पकड़ा, एक आंसर को 3 बार 4 बार बोलना है जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाए, नहीं तो क्या होगा ना आपको ओके कुछ मैसअप हो जाएगा पूरा नॉलेज को लेके। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है ना फिर गो थ्रू करिए, मतलब आज मान ओके के चलिए सर आपने पूरा दिन पढ़ाई किया और फिर रात को जी सर जाके रात को फिर से गो थ्रू करिए आपने सुबह से क्या पढ़ा है, तो रिकैप करिए, रिकैप प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। तो दो तीन चीज है आपको, अगर लिख लिख के याद करने का आदत है तो वो तो करना ही है, पर बोलना बहुत जरूरी है, पर मैं बोलने वाला एग्जाम है तो हमेशा याद रखना ओके क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खुला रखना है, एनी टाइम आपका कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स 24 घंटा ऑन रहना चाहिए। आप आंसर को पढ़ा और आप बोला, पढ़ा बोला, पढ़ा बोला, पढ़ा बोला, ऐसे करना है आपको, पढ़ के बोलना है, पर ओके पढ़ लिया 3 बार बोल दिया, पढ़ लिया 3 बार बोला, पढ़ लिया तीन, आपका टाइम नहीं है ना, ऐसे करना है सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए ओके पढ़ लिया ओके पढ़ते लिया पढ़ते लिया पढ़ते लिया लिख लिया पढ़ते लिया लिख लिया पढ़ते लिया लिख लिया बोला नहीं, आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है 3 बार बोलना है, पढ़ना है 3 बार बोलना है, पढ़ना है 3 बार बोलना है, इससे क्या होगा आपको क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मैटर्स। ऐसा नहीं, देखिए देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको 15 सवाल पूछा और आपको 15 सवाल का जवाब आना मैंडेटरी है, होगा कि ओके भाई सर 15 में से 10 सवाल का जवाब आपको पता होगा और आपको 5 सवाल का जवाब नहीं पता होगा, जिसका जवाब नहीं पता बोल देना सर आई डोंट नो दिस आंसर, आई नॉट एबल टू रिकॉल दिस आंसर। 10 क्वेश्चन का जवाब पता है उसको बहुत सही तरीका से क्वालिटी आंसर देना है ऊपर में, ओके सर क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ही चेक कर रहा है और पर्सनैलिटी चेक कर रहा है, और पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, कोट पहन लीजिएगा थोड़ा ड्रेसिंग में सबसे आपका ठीक हो रहा है, थोड़ा आपका पीछे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लीजिएगा, बेसिकली और कुछ नहीं चाहिए, तो बेसिकली ओके ओके कम्युनिकेशन सर स्किल ही चेक कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल, उसको लगना चाहिए कि भाई ओके सीए से बात कर रहे हैं, तो वो वाला आपको लाना पड़ेगा उस तरह का बात करने में, उसको लगना चाहिए भाई हाँ ये हमको, देखिए अगर आप किसी को हायर करेगा तो आप किसको हायर करेगा वो भी आप देखिए, आप हायर उसको करेगा जो मेरा क्लाइंट आपको देख के लगे ये मेरा क्लाइंट से बात कर लेगा, ओके सर नॉलेज में किसी को शक नहीं है आपका, प्लीज याद रखने का, खुद से सब पास होके आया है तो नॉलेज पता है भाई सबको पता है, नॉलेज कभी भी एक्वायर कर सकता है, जब वो आपको हायर कर रहा है ना इट्स बेसिकली ना बिग फोर और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी बिग, वो बस यही देख रहा है कि ये आदमी मेरा क्लाइंट से बात करने लायक है, समझाने लायक है, क्लाइंट से डेटा लेने लायक है, इज द पर्सन हु कैन कनेक्ट विथ माई टीम, हु कैन मैनेज अ टीम, हु कैन मैनेज एन आर्टिकल, तो लीडरशिप स्किल, टीम स्पिरिट वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी वगैरह ये लोग चेक कर रहे हैं, ओके सर समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए आपको वीडियो ऑडियो क्वालिटी नहीं आता है, इंटरनेट चलाना नहीं आता है, आपका ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, ये सब चीज मेजर है, फिर आपका नॉलेज डेफिनेटली आदमी चेक करेगा आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, पर आदमी गलती क्या करता है ना, हर आदमी यही गलती करता है, वो खाली अपना टेक्निकल नॉलेज ही इंप्रूव करते जा रहा है, टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल बोलने का प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, वो नहीं करना है गलती, समझ में है ना सबसे बड़ा ओके गलती सर क्या कर रहा है हर इंसान, ये बोलने वाला एग्जाम है, समझे समझे ना, और बोलने के यस टाइम सर में गलती आदमी करता है, ये लोग इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे तब इतना गलती कर रहा है, प्रैक्टिस कब कर रहा है भाई, बहुत किए हैं कल गुप्ता तो 20 25 दिन पहले प्रैक्टिस कर करके, वही मैं बोल रहा हूँ पहले आई थी कितना गलती की थी, कितना गलती हुआ होगा फिलहाल, बहुत गलती है ना, ओके वही सर चीज है, हाँ मुंह से निकलता ही नहीं था, तो वही चीज है, ये बोलने वाला एग्जाम है, इसलिए मैं बोलूँ टाइम बहुत है, अभी भी 4 दिन है ना, 3 या 4 दिन है काफी है, पर तुमको कोशिश ये करना है कि तुमको अभी यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खोल के बैठ जाओ, पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, प्रियंका चंद्रा आपको हेल्प कर देगी, कोई भी चीज का आपको दरकार पड़ेगा, मतलब गुप्ता कुछ भी है आप पढ़ के उनको भी एक बार के लिए पूछ लेना दो तीन, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हम 8 बजे 9 बजे लेगा अपना, ठीक ओके है? सर तो हम 8 9 बजे हम ले लेगा, पर तुम अभी पूरा पढ़ने लग जाओ, और एक चीज याद रखो हाँ जब तुम पढ़ेगा तो तुम डेफिनेटली भूलेगा चीज को, तो टेंशन मत लो ज्यादा, कोई टेंशन ओके नहीं, सर जितना याद है उसको तो डाइजेस्ट करके अच्छा से बोलना है, समझे ना,
तो तुम क्या देखा, ओके सर एक्सेल शीट में पहले मटेरियलिटी, फिर अजर्शन, एरिया, फिर उसके बाद तुम कारो शेड्यूल 3 जाएगा। कारो का अमेंडमेंट्स क्या है वो बताओ। कारो अमेंडमेंट्स हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक्चुअली मैंने किया नहीं अभी नहीं किया, अमेंडमेंट। बढ़िया, गुड, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब आप, कोई दिक्कत नहीं, कारों को फोन अमेंडमेंट नहीं किया, मतलब 2 महीना पूरा पार्टी किए क्या, बुरा क्या, 2 महीना क्या किया हमने, ये तो आना चाहिए भाई, कारों को अमेंडमेंट आना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब चीज बहुत, शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट बता दीजिए। मैंने अमेंडमेंट्स किया नहीं ना सर अभी अभी, एक्चुअली मैं तो ओनली एचआर राउंड और ये जो अपने गुड गुड मैटेरियलिटी वेरी असेसमेंट गुड ऑडिट प्रोसीजर भाई, बहुत मेहनत करना और पड़ेगा आपको, ठीक, कोई बात, इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बताइए तो प्रियंका चंद्रा, यस सर, एम्फेसिस ऑफ मैटर हो पैराग्राफ जाएगा फर्क, रेफर टू द टेंशन नहीं मैटर है, दैट इज ऑलरेडी बोलिए, इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, यस, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज रेफर टू द मैटर दैट ऑलरेडी प्रेजेंट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑडिटर वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंडिकेट दैट ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर ऑन द मैटर एम्फसाइज इज नॉट मोडिफाइड. एग्जाम्पल एग्जाम्पल लाइक सबसिक्वेंट इवेंट दैट हैपन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द ईयर आप सोच रहे एंड पहले गोइंग क्यों नहीं आए कंसर्न ना सुनील को लिटिगेशन. कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस एग्जाम्पल, सर बोलने आई सर वाला सबसिक्वेंट एग्जाम है इवेंट आपको, बोलिए, गोइंग हाँ कंसर्न एंड लिटिगेशन स्टार्ट. बोलिए तो अलग, एक्चुअली क्या, हम देखिए, हम 15 बार रिजेक्ट हुए ना, तो जब हम लोग को इंटरव्यू देता है ना, तो हमको लगा था यार हमको तो सब आता है, हमको तो सब आता है, जब इंटरव्यू जाता था तो लोग बुरा वो निकाल, बुरा बेइज्जती कर देता था, मतलब का यार कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो बहुत खराब लगता था, हम बोले हमको तो सब आता है पढ़ के, तभी हम नहीं दे पा रहे वहां पर, में तो ये कैसे हो रहा है, वहां पर जाके हम अचानक से क्यों भूल जाता है आंसर, तो हमने कहा ये नेचुरल है, अपना अगर पढ़ के नहीं, अपना अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना घर पे तो नहीं निकलेगा, ये हम एकदम नोट किए हैं, ये हम नोट किया कि हम लोग जब इंटरव्यू में ना, हम लोग को पहले क्या लगता है, ले लेगा हमको, तो ले ही लेगा हम फर्स्ट अटेम्प्ट ले लेगा, ये है तो ले लेगा, ले लेगा, ऐसा फीलिंग आता है वो, तो वो कारण से हम लोग बना, हम लोग, और वो इतना डीप पूछ लेता है, हम लोग का टाइम यस पूछता था, नहीं जवाब दे पाए, ये चीज एक तो बहुत यस बड़ा सर प्रॉब्लम है, प्लस वो लोग कम्युनिकेशन स्किल देख रहे हैं, उसमें भी क्रॉस क्वेश्चनिंग है, तुम बोला उसके भी अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग, इतना डीप जाने लगता तो और डिफिकल्ट हो जाता है किसके लिए, समझे, तो वही है, तो सीए फाइनल का एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट है ये वाला एग्जाम, ये वाला एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली में, जो आदमी इसको ले रहा है ना टाइम पास के लिए, उसको वही बहुत दिक्कत आता है। ऑनलाइन सेलेक्टिव बहुत अच्छा फॉर्म से किया है, उसमें बहुत एलिक्वेशन डिबेट वगैरह देख लिया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, बहुत रिजेक्शन सेंड कर लिया, कोई भी इंसान अगर मेरे को बोलता है ना वो एक ही बार में इंटरव्यू क्लियर किया है, तो आजकल आजकल डेट में पॉसिबल ही नहीं है, कि टफ हो गया यस इंटरव्यू, पहले का टाइम में क्या होता था, चेहरा देख लिया ले लिया, हम लोग का टाइम में भी नहीं हुआ है, पर वो एक्सेप्शनल केसेस होगा, या उसको एकदम ही आदमी का दरकार होगा तभी लेगा, वो बहुत कोवाल पूछेगा और उसको लेने का होगा तभी लेगा आपको, इसलिए मैं बोल कम्युनिकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता कोई भी इंसान, वी आर एवरी चेकिंग कम्युनिकेशन के लिए, समझे, तो जी एग्जाम्पल बताइए जी ना ईएम पैराग्राफ का, ये नोट करते जाएगा, तो इसलिए ओके मतलब सर कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगा, पढ़ पढ़ के नहीं होगा, बोल बोल के इंप्रूव होगा, बोलना बोलना पड़ेगा, बोलने वाला एग्जाम है, और बोलता जब है ना तो पेट दर्द होता है, पता है बहुत दर्द होता है पेट, बोलिए एग्जाम्पल ईएम पैराग्राफ का, सर गोइंग कंसर्न लिटिगेशन गुड, और ओएमपी और पैराग्राफ का एग्जाम्पल, ओएमपी किसका सर, ओएमपी पैराग्राफ, हाँ सब्सिडरी ऑडिट डन बाय द अदर ऑडिटर ऑडिटर, सब्सिडरी. गुड, याद, आपको भी पता था ईएम पैराग्राफ ओएमपी पैराग्राफ, आपको तो क्वेश्चन आया था, ये डैम का क्या एग्जाम्पल, की ऑडिट मैटर का एग्जाम्पल, सर लाइक फ्रॉड फ्रॉड इन द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड डेफर टैक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एंड कॉम्प्लेक्स टैक्स मैटर. हाउ डू यू चेक द ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रियंका चंद्रा, यस सर फॉर द ट्रेड रिसीवल फर्स्ट वी विल ऑब्टेन द ओपन इनवॉइस. ओपन इनवॉइस मीन्स आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस फ्रॉम द क्लाइंट एंड देन वी विल ऑब्टेन द डायरेक्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम द
customers to check the genuineness of the transactions, and we will obtain the trade receivable register and compare with the journal ledger, trial balance and balance What if sheet. you don't get And the confirmation from the debtor? sir, we will do the substantive audit procedure. No, 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 sorry, alternative audit procedure. What you will do in that? And we will check the bank statement that whether the amount, whether the invoice amount is received by the same client or not. Yes, we will check bank subsequent receipt statement. dekhega. Subsequent receipts, हाँ collection हुआ कि नहीं हुआ, रिटर्न में कलेक्ट पेमेंट सब कुछ देख के रखा उसने, पता है एक भी सवाल ऊपर नीचे नहीं पूछा हिस्टोरिकल है। परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेडर्स भी ले सर सब सकते हैं पढ़ ना। रखा है लेकिन रिवाइज नहीं किया ना, 3 दिन से हाँ बहुत वो ही बिजी बोल रहा थे। है, देखिए यही चीज है, यही चीज है, यस पढ़ने के बाद भी याद नहीं है सो रहा। जो नहीं पढ़ के रखा भाई, क्या हालत होने वाला इसका। हम लोग बेवकूफ थोड़ी ना भाई, सारा चीज यूट्यूब में डालता हूँ, पता है भाई सब इतना इजी नहीं है, भूल जाता है पढ़ने के बाद ये ऐसा हालत है, तो सोचिए क्या हालत है जी का। आई एम वेरी गुड, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो एंड माइंड सेट ऑल्सो। तो इंसान को जो भी चीज याद रहता है ना, वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रखते है। कोई भी इंसान कोई भी इंफॉर्मेशन को 18 आवर्स से ज्यादा याद ही नहीं रख पाता है, अनलेस एंड अंटिल उसको वो लगे कि बहुत जरूरी है उसके लिए, चाहे कितना ही सॉलिड इंसान क्यों ना हो, 18 आवर्स का तो भूल जाएगा उस चीज को। अनलेस एंड अंटिल उसका रोज दिन में काम आता है ना, भूल जाता है इंसान, क्योंकि पढ़ता ही उस तरीका से ही है। 18 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स, उसके बाद तो याद नहीं रहेगा वो चीज। जब तक वो बार बार नहीं पढ़ लेगा तब तक तो बहुत मुश्किल है, या तो बहुत अर्जेंसी आ गया ना। अब आप अपने जमान के, चलो आपका इंटरव्यू का डेट है ना, आपको याद रहेगा होता है आप में वो है, बट ये सब चीज ऐसा है ना, भूल जाता है इंसान। तो अगर कोई रटा है ना तो और मुश्किल, समझ के पढ़ा है तो फिर थोड़ा इजी है। तो मेरे को पता है ये सब चीज क्यों प्रॉब्लम आता है। बोलिए क्या बोल रहे थे पलक गुप्ता, कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे क्या आप? हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द डेटर्स वेदर देयर एनी प्रीवियस। हेलो ठीक है, कंफर्मेशन सर नहीं ऑडिबल। मिलेगा तो आप सब्सिक्वेंट कलेक्शन चेक करेगा, और सब्सिक्वेंट कलेक्शन नहीं मिला तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे भाई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, सब्सिक्वेंट कलेक्शन भी नहीं आया, तो भाई डेटा रेजिंग शेड्यूल दिखाओ, ये क्या चक्कर है भाई, ये ना तो इसका पैसा आ रहा है ना ही कलेक्शन आया है, और ये डेटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हमको इसका सबूत चाहिए। तो अब मैं मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे भाई, है सोच के देखिए ना क्या होगा, दिमाग लगा के देखिए और क्या है। कलेक्शन बोलेंगे, कलेक्शन दिखाइए, कलेक्शन हुआ, कलेक्शन भी नहीं हुआ है, डेटर भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हमको सबूत दिखाइए, डेटा शेड्यूल डेटर को रिकम्प्यूट करेंगे, वो सब करेंगे, री इंस्टेटमेंट ऑफ डेटर्स वगैरह, वो भी अपनी बोली थी फॉरन एक्सचेंज को री इंस्टेट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ेगा पढ़ते पढ़ते बोलिए, पढ़िए बोलिए, पढ़िए बोलिए, पढ़िए, देखिए आपको आंसर याद रखने का स्ट्रेटेजी हम बता देते हैं, हम कैसे याद करते हैं, ये तरीका से याद होता है जीवन में इंसान को, एक तो लिख के याद होता है, एक बोल के याद होता है, तो एक देख के भी याद होता है, ये तीनों चीज से याद होता है, और एक एक कोई इमेजिनरी स्टोरी समझ के उसको याद कर सकता है, या उसको कॉन्सेप्चुअली याद करता है। तो 4-5 तरीका से आप याद कर लेगा ना कोई भी आंसर को, तो आपको देखना उस सिस्टम में बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, इंसान खाली एक ही तरीका से याद करने का कोशिश करता है, कोई कोई तो होता है कि देख के याद करने का कोशिश करता है, देख के तो याद ही नहीं कर सकता है, कोई कोई तो जो प्रैक्टिकल सब होता है ना, वो भी देखते रहता है खाली, उसको लगता है देखने से उसको हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत जन मैंने देखा है कि हम देख देख के पास हो गया, और पॉसिबल ही नहीं है पास होना, आपको देखना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है, समझना भी है, ताकि सारा चीज कर लेगी तब इजी होता है याद करना। और 15-20 मिनट लगता है एक आंसर याद करने में, कितना टाइम लग जाएगा, 30 मिनट लग जाएगा आपका स्लो है तो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, भागिए मत, समझ गए ना सुनील कुमार, भागना नहीं ओके है एक सर, आंसर को, ये चीज गलती नहीं करना है कोई भी इंसान को, समझे। यस सर। और कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई दिक्कत आता है चंद्रा और पलक गुप्ता को चीज समझ में कभी कुछ जाए तो बोलिए मेरे को, कोई चीज है जो कि आपको चंद्र, आपको सर कोई चीज डिस्काउंट का बता दो, लाइक हाउ टू चेक द डिस्काउंट्स। डिस्काउंट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट होता है एक टू, और एक वो कैश डिस्काउंट वगैरह जो होता है, तो डिस्काउंट में आप देख लीजिए कि डिस्काउंट का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या था ट्रेडर्स के साथ, जो भी आपका कस्टमर्स है ट्रेडर्स का था, जो रेट वगैरह सही लिया है कि नहीं लिया है, डिस्काउंट का कंडीशन जो होगा कि इतना फुलफिलमेंट होने के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कंडीशन एक्चुअली फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है,
वो सारा चीज आपको एक बार चेक करना है। जीएसटी का कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, जीएसटी का ऑब्लिगेशन भी होता है डिस्काउंट के ऊपर में, सेक्शन 17(5) वो सब एक बार के लिए, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना डिस्काउंट का, ठीक है। लेडी पूछेगा डीएसडीसी वगैरह में। सर और कोई, एस देखिए पढ़ने हैं, मतलब ग्लोबल में तो इंडिया से इतना एस ही पूछेगा होंगे, ही मतलब वो एस के बारे में पूछ सकते हैं। नहीं, एस नहीं पूछेगा। इंडिया से 115, 116, 109 डेफर टैक्स एसेट इंपेयरमेंट, ओके इसके अलावा ज्यादा पूछेगा नहीं। इंडेक्स 2 पूछ सकता है, कॉस्ट एंड आरबी विच एवर इज लोअर, बस रॉ मटेरियल का कैसे होता है, रॉ मटेरियल का कैसे होता है नहीं पता, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होता है, कैसे फिक्स होता है। गुड्स के अकॉर्डिंग ऐसा हाँ फिनिश कुछ। गुड्स के अकॉर्डिंग ही होता है, फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन होगा उसी हिसाब से इसका भी होगा। यस सर। तो फिनिश गुड्स कॉस्ट में हो रहा है, रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ फर्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट एंड आर भी नहीं दिखेगा, सो फिनिश गुड्स है ही। बोलो सर ऑडिट ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम ए वाली ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं कि अगर जैसे मैंने एक ऑडिट किया इन्वेंटरी वैल्यूएशन का जिसमें पेस्ट कंट्रोल थी, तो उसमें जो केमिकल्स एक्सपायर हो चुके थे वो भी वो कैलकुलेट कर रहे थे अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी में। सो मैंने मैनेजमेंट को उनको हटाने के लिए बोला था क्या कि चीज आप का, इसमें इंक्लूड ना करिए। सर ऑडिट ऑब्जर्वेशन में जब हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें मैंने एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी थी, तो उसमें केमिकल्स होते हैं बेसिकली, वो केमिकल्स अपनी इन्वेंटरी में काउंट करते हैं। तो जो केमिकल्स थे वो एक्सपायरी डेट, मतलब उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, तो भी वो स्टिल उसे अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी में काउंट कर रहे थे। सो आई आस्क द मैनेजमेंट टू रिमूव दैट इन्वेंट्री एंड टू राइट ऑफ दिस इन्वेंट्री। तो नहीं, अगर फिर से बोलेगा नेट का इशू। हेलो सर आई एम हाँ नेट, ऑडिबल? हाँ बोलिए, नेट का इशू था, बोलिए। ओके जैसे जैसे मैंने एक ऑडिट किया था पेस्ट कंट्रोल कंपनी का, तो उसमें जो इन्वेंटरी होती है वो केमिकल्स से रिलेटेड होती है, तो जो कुछ केमिकल्स थे उनकी जो एक्सपायरी डेट थी वो निकल चुकी थी, बट वो स्टिल अपनी इन्वेंटरी में उसे कैलकुलेट कर रहे थे क्लोजिंग इन्वेंटरी में। तो ठीक है। मैंने मैनेजमेंट को बोला था कि आप इस इन्वेंटरी को राइट ऑफ कर दीजिए, और इन्वेंटरी मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है उसमें ना शो करके आप राइट ऑफ करिए उस इन्वेंटरी को। तो ये ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं। हाँ ठीक है। एक चीज देखिएगा, जो जो पेस्टिसाइड वगैरह है ठीक है, उसका मार्केट में कोई वैल्यू उड़ सकता है क्या, एनआरवी में उड़ सकता है, मतलब वैल्यू वो उड़ सकता है, तो उसमें दिखाना पड़ेगा उसको, ओके ये चीज ओके याद रखिए, सर राइट ऑफ नहीं होता हर चीज में। मान के चलिए एक ठीक है। मेडिसिन है, तो मेडिसिन तो अगर एक्सपायर हो गया तो नहीं बिकेगा मार्केट में, पर अगर कोई ऐसा सामान होता है जो कि एक्सपायर होने के बाद भी उसका रियूजेबल लाइफ है, अब वो एनआरवी में सेल हो सकता है, या कोई उसका पैसा देने को रेडी है, कस्टमर कोई भी सप्लायर वो बोल रहा है कि ठीक इसका है पैसा देने को रेडी है, तो वो एनआरवी में रिकॉर्ड होगा। ये अच्छा क्वेश्चन आता है, ओके ट्रिकी क्वेश्चन, आप लोगों को बता दिया ठीक है। तो कोई एक्सपायर्ड कोई ओके गुड्स यस है पर उसका पैसा उड़ सकता है, तो वो एनआरवी में रिकॉर्ड सर होगा, तो हर केसेस में राइट ऑफ नहीं होता है, भी एक ओके सिचुएशन है सर ठीक है। राइट ऑफ हर केस में राइट ऑफ तब होगा जब उसका पैसा ही नहीं उठेगा, ठीक यस है। सर यस सर ठीक है सुनील कुमार आप लोग ठीक है, ठीक है आप पढ़ लीजिए, 8 बजे आइएगा, कोई दिक्कत हो चंद्रा है, पलक गुप्ता है, एकदम हेल्प करने के लिए ठीक है। एक्सेल सीट 2 दिन के अंदर खत्म करिए, और कुछ आज रात तक खत्म करिए ठीक है, ठीक है ठीक ओके है जिया, सर ओके जिया, ठीक। थैंक यू सर थैंक आप पलक गुप्ता आ जाइएगा ठीक है, और आप लोग चल जाइए ठीक है, ओके जी। ओके सर।